नमस्कार, सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले आज की बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, जहां पर वन विभाग को आखिरकार एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। जिस आदमखोर की तलाश में तमाम टीमें लगी हुई थी, पांचवें भेड़िए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। पिंजरे में कैद से ये आदमखोर ना जाने कितनों पर हमला अब तक कर चुका है। कड़ी मेहनत का नतीजा ये रहा कि आदमखोर आखिरकार शिकंजे में आ ही गया। हालांकि अभी एक और आदमखोर की तलाश जारी है, लेकिन ये पागपुर में एक बकरी को उठाया था। अच्छा। और उसी से हम लोग को ट्रेस मिलना शुरू हो गया था। फिर पगमार्क्स आए, फिर डीएफओ साहब उनकी टीम ने पगमार्क्स को ट्रेस किया और फिर हम लोगों ने रात में स्ट्रेटेजी बनाई। राइट। और फिर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में हम लोगों ने उसको रेस्क्यू कर। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप लोग भी कितना प्रफुल्लित है कि कम से कम जो मेहनत आप लोग इतने दिनों से कर रहे थे, आखिरकार वो क्षण, वो घड़ी, वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार ग्रामीण भी कर रहे थे, वन विभाग भी कर रहे थे, तमाम साइंटिफिक तरीके भी अपनाए जा रहे थे। और यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और किस क्षेत्र में, अगर आप लोगों ने जाल लगा कर ट्रैप किया? ये जो क्षेत्र है सिसैया क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, ये है सिसैया चूड़ामणि का क्षेत्र है। इससे पहले भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुए यही हुए हैं। और इसका कारण है, इसका कारण ये है कि ये जैसे ये जो एनिमल्स हैं, इनकी होमिंग टेंडेंसी होती है। हाँ। ये घर जरूर आते हैं, जैसे अच्छा। हम सब लोग घर जाते हैं, ये घर जरूर आते हैं। तो इसी चीज को ट्रैक करते हुए हम लोग वेट कर रहे थे कि ये डेफिनेटली घर की तरफ लौटेंगे। और कल चूंकि इस इलाके में, जैसे मैंने आपको बताया, इसने एक बकरी को उठाया। हाँ। और उसके बाद फिर उसने अपने पग मार्क्स इसके देखे, जिसको कि ट्रैक किया गया प्रॉपर तरीके से। हम लोगों ने इनफैक्ट इससे पहले भी कोशिश किया था, कोशिश हमने बहुत बार किया और फिर हर बार हर कोशिश से हम लोग को कुछ न कुछ नया मिलता गया। ओके। और फिर जो ये फाइनल हम लोगों ने जो उसको उठाया वो और उसको रेस्क्यू किया, उसके पग मार्क्स के थ्रू किया। बिकॉज ये एनिमल पहले जो हम लोग उठा रहे थे वो हम लोग थर्मल ड्रोन के माध्यम से ही उसको लोकेट कर रहे थे। अभी भी हमने लोकेट इसको किया था थर्मल ड्रोन के माध्यम से। ओके। वो भी लोकेशन में उसको भी यूज किया गया था, लेकिन जब रेस्क्यू ऑपरेशन करने लग गए उस समय हमने थर्मल ड्रोन रोक दिया, क्योंकि इतना स्मार्ट हो चुका था ये। उसको मालूम था कि जैसे ही थर्मल ड्रोन आएंगे, और इसने देखा होगा कि थर्मल ड्रोन के आते ही हमारे साथी गायब होना शुरू हो गए, तो उससे वो बहुत इंटेलिजेंट हो गया। तो फिर हम लोगों ने इस बार थर्मल ड्रोन को देखा और फिर उसको किनारे कर दिया। हमने कहा कि अब इसको अलग तरीके से इसको पकड़ने की कोशिश की जाए। क्या ये वही लंगड़ा भेड़िया है जिसकी बात कही जा रही थी, या फिर ये दूसरा भेड़िया है, लंगड़ा भेड़िया भी फरार है? देखिए, लंगड़ा भेड़िया टाइप का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत बहुत उचित, बहुत सही कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिये, जो एनिमल्स है, ये जो भेड़िए हैं, तरह तरीके से हॉप भी करते हैं चलने के लिए, उनका बिहेवियर अलग अलग तरीके से होता है। तो लंगड़ा एग्जैक्टली बोलना तो बहुत उचित नहीं होगा। तो इसको पकड़ा है हम लोगों ने और बहुत जल्दी अब इसको सुरक्षित स्थान पे। कितने भेड़िए अभी होंगे और नियर अबाउट आपको क्या लगता है? एक भेड़िया और बाकी है। एक भेड़िया और बाकी है। आपने देखा कि किस तरह से संरक्षक है और लगातार बता रही है, हम इस इलाके को दिखा रहे हैं कि इस इलाके को आप देखिए कि ये पूरा इलाका है, भेड़िया ट्रैप हो चुका है और ये कछार का पूरा क्षेत्र है, रेतीला इलाका है। यहाँ पर तमाम वन विभाग की टीम लगातार डेरा डाले हुए थी। एक बार हम फिर आपको ले चलते हैं और उस भेड़िए की तस्वीर दिखाते हैं जिसको पिंजरे में कैद करके यहाँ रखा गया है। हम लगातार यहाँ आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये कछार का पूरा क्षेत्र है, गन्ने का इलाका है, गन्ने ही चारों तरफ नजर आते हैं। और इसी इलाके में इस भेड़िए को ट्रैक किया गया है। वन विभाग की बहुत बड़ी कामयाबी है ग्रामीणों की मदद से। वन विभाग की एक बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से अधिकारी से भी आप बात कर रहे थे, उनके चेहरे पर भी खुशी थी, अब ग्रामीणों के चेहरे पर भी एक मुस्कान है। हालांकि अब भी एक भेड़िया गिरफ्त में नहीं आया वन विभाग के, लेकिन इसके बाद चैन की सांस जरूर लेंगे ये ग्रामीण और जो अधिकारी प्रशासन जो लगातार इस काम में अब तक जुटे हुए थे। जी हाँ, देखिए ये भेड़िया आप एक बार फिर से देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि किस तरह से इसको पिंजरे में कैद करके रखा गया है और सभी ग्रामीण बेहद खुश हैं। 1 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस वक्त खुशी से झूम रहे हैं कि आखिरकार वो घड़ी, वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार ये लोग कई महीनों से कर रहे थे। और इससे पहले 4 भेड़िया और पकड़े जा चुके थे, लेकिन ये 5वां भेड़िया जो लगातार हमला कर रहा था, अलग अलग गांवों में घूम करके अटैक कर रहा था, कभी बकरी और कभी पशुओं पर भी ये भेड़िया अटैक करता था, ये 5वां भेड़िया ट्रैप कर लिया गया है। और इस भेड़िया को आप देख सकते हैं कि अब ये भेड़िया कितना शांत दिख रहा है, बिल्कुल शांत पिंजरे में बैठा हुआ है। तो निश्चित तौर पर वन विभाग के लिए बड़ी कामयाबी है। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने इस भेड़िए को पकड़ा है। न्यूज 18 की टीम लगातार इस कछार के क्षेत्र में घूम ही रही है। कछार के क्षेत्र में हम लोग लगातार हरिभक्ष का पुरवा और सिसैया चूड़ामणि सहित तमाम गांवों में घूम रहे थे और लगातार यहां ड्रोन उड़ा करके भेड़िए को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वन विभाग की अधिकारी रेणु सिंह का कहना है कि ड्रोन की वजह से
भेड़िया इतना समझदार प्राणी है कि वो समझ जाता था कि लगता है कि उसके इलाके के जो और भेड़िए गायब हुए हैं वो इसी मशीन की वजह से, इसी आवाज की वजह से गायब हुए हैं, इसीलिए वो थर्मल ड्रोन जैसे ही उड़ता था वो अपना ठिकाना बदल लेता था। लेकिन इस बार वन विभाग की टीम ने थर्मल ड्रोन का सहारा नहीं लिया बल्कि पग चिन्हों का सहारा लिया, भेड़िए की पग चिन्हों का सहारा लिया गया और जो देसी तरीका है, देसी तरीके से वजह से ही ये भेड़िया पकड़ा गया है। पग चिन्हों की वजह से भेड़िया बन चुका था, लेकिन अब इस वक्त पिंजरे में कैद है, एक और भेड़िए की तलाश की जा रही है। उमेश, अगर रेणु सिंह की बात को हम माने तो ये बड़ा चालाक, बड़ा शातिर हो गया था। हालांकि एक भेड़िया अब भी गिरफ्त से बाहर है, इसे पकड़ा कैसे गया, कहां पर पकड़ा गया इस भेड़िए को? पूरा का पूरा इलाका है, एक बार फिर उधर चलेंगे और ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ग्रामीण कितनी खुशी से झूम रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के। ग्रामीण बहुत खुश हैं, उनको लगता है कि जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो, नव जीवन मिल गया हो इस भेड़िया के पकड़े जाने के बाद। अब सभी को इंतजार है कि आखिर वो छठवां भेड़िया जिसे लंगड़ा सरदार कहा जा रहा है वो कब तक पकड़ में आता है। हम ग्रामीणों से बात कर लेते हैं। दादा, ये बताइए कि भेड़िया आखिरकार पकड़ लिया गया, कितनी खुशी मिल रही है और कितना दिल बाग बाग हो रहा है कि हाँ अब हमारी जान सुरक्षित हुई कुछ? सही है, लंगड़ा मिल जाए तो थोड़ा आराम हो जाए। तो आप देखिए कि किस तरह से ग्रामीण कह रहे हैं कि अब बहुत खुशी की बात है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही कि भेड़िया पकड़ा गया है? बहुत खुशी हो रही, भेड़िया पकड़ा गया, अभी सरदारों, अब सरदार बचा है अभी। अच्छा, पकड़ने वाला उसको भी पकड़ लिया। आप ही लोगों ने दी थी, आप ही के क्षेत्र के लोगों ने वन विभाग को दी थी कि वन विभाग की टीम यहीं पर मौजूद थी? जी जी, यही दी गई थी, तो यही मजबूत थी, पूरी रात टीम यहीं पड़ी रही है। हाँ। फिर सुबह वही एक घंटे में पकड़ी गई है। हाँ। कितने बजे के आसपास पकड़ा गया है? 4 बजे के आसपास में पकड़ा गया है। जाल लगाकर पकड़ा गया है भेड़िए को? जाल लगा के पकड़ा गया है, नदी में कूद गया था, वहाँ से भी निकाला गया है। अच्छा, उसके बाद आप ग्रामीणों के चेहरे की मुस्कान आप देख सकते हैं कि कितना ये खुश हैं, और ये लोग, ये खुशी गायब थी इनके चेहरे की, ये खुशी गायब थी, लेकिन अब ये लोग बेहद खुश हैं कि आखिरकार भेड़िया पकड़ा गया। कुछ और ग्रामीणों से हम बात कर लेते हैं जो लगातार यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण, कि आखिर ये कौन सा भेड़िया है जो लगातार इंसानों पर हमला कर रहा था। और ये देखिए, यहाँ पर सारे ग्रामीण हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि ग्रामीणों का इस विषय पर क्या कहना है। कितनी खुशी की घड़ी है, कितनी अनमोल घड़ी आप लोगों के लिए हो गई है, बहुत खुश हैं कि आखिरकार ये भेड़िया पकड़ लिया गया। अब वो बड़ा शांत सा बैठा हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत शांत बैठा हुआ, ऐसा लगता कुछ हुआ ही नहीं, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी है पकड़ लेने का। अच्छा। हाँ, बहुत खुशी, अब कुछ शंका खत्म हुआ। हाँ, और अभी एक आध है वो पकड़ जाए, बहुत सारा शंका खत्म हो जाए। एक आध है, और तो वन विभाग को धन्यवाद देते हैं आप लोग इसके लिए। बहुत धन्यवाद दी, वन विभाग को धन्यवाद दे रहे हैं सारे ग्रामीण। आप दादा क्या कहेंगे यहाँ पर बैठे हुए लाठी डंडा लेकर के, चेहरे की मुस्कान, आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। तो लगता है कि अब वो जो इसका इंतजार था वो घड़ी आ गई और आखिरकार वो भेड़िया पकड़ा गया, अब छठवां भेड़िया भी पकड़ जाएगा साहब। अच्छा, खुशी है? खुशी है साहब, खुशी है। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर मजमा लगा हुआ है, कुछ और ग्रामीणों से बात करते हैं। आप ये बताइए दादा क्या कहेंगे आप, भेड़िया पकड़ लिया गया है, कितना खुश है कि कम से कम अब जान सुरक्षित हुई, लगातार आप लोग परेशान थे, 1 लाख से ज्यादा ग्रामीण परेशान थे, तो अब आपको बहुत खुशी हो रही कि यस भेड़िया पकड़ गया? हाँ, खुशी हो रही है, बहुत खुशी है। तो वन विभाग को किन शब्दों में आप धन्यवाद देंगे? हाँ, धन्यवाद देंगे वन विभाग की टीम को, ये सभी ग्रामीण धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं, वन विभाग की टीम को धन्यवाद देते हैं और आप लोगों की मदद से, वन विभाग की टीम की मदद से ये भेड़िया पकड़ा गया है, तो आप लोगों के लिए इसे खुशी से ज्यादा अच्छा मौका नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। हाँ, राहत की सांस मिल गई, पकड़ लिया गया। कहाँ पर पकड़ा गया, किस जगह पर एग्जैक्टली पकड़ा गया है? कछार के क्षेत्र में पकड़ा गया है। तो आप बताओ यहाँ पर आप लोग रहते हैं, दादा आप लोग यहाँ पर रहते हो, मुड़ जाओ उधर, जरा ये बताओ, मुस्कान तो दिखा दो, मुस्कान दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से लोग हंस रहे हैं और ये खुशी अपने आप में बताने के लिए। ये बताइए जरा कि शुरुआत में क्या ग्रामीणों ने इस भेड़िए को पकड़ा था क्या? तो यकीनन ये घड़ी इन ग्रामीणों के लिए नवजीवन वाली घड़ी है। जी, शुरुआत में ग्रामीणों ने इस भेड़िए को पकड़ा, उसके बाद वन विभाग की टीम यानी कि संयुक्त तौर से, चाहे वो ग्रामीण हो या वन विभाग हो, दोनों के ही एफर्ट के साथ ही भेड़िया पकड़ा गया। जी हाँ, देखिए ग्रामीण लगातार सूचनाएं भी दे रहे थे, ग्रामीण लगातार वन विभाग की मदद भी कर रहे थे और ग्रामीणों की मदद से ही इस भेड़िए को पकड़ा गया है, जाल बिछाकर पकड़ा गया है। लेकिन ये बात बिल्कुल आश्चर्य जताने वाली है कि आमतौर पर भेड़िए को पकड़ने के लिए थर्मल ड्रोन स्कैन का इस्तेमाल किया जा रहा था, ड्रोन उड़ाए जा रहे थे, लेकिन ड्रोन काम नहीं आया, पग चिन्ह काम आए और पग चिन्ह की वजह से ये भेड़िया पकड़ा गया है। और दादा ये बताइए, आप लोग यहां मदद कर रहे थे, कैसे पकड़ा गया ये भेड़िया? ग्रामीणों की मदद से आप लोग सूचनाएं भी लगातार
दे ही रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? आज जो जब ये भेड़िया पकड़ा गया तो ग्रामीणों ने सूचना दी, उसके बाद जाल बिछा, उसके बाद पकड़ा गया, जाल बिछा के फिर घेर के पकड़ा गया। तो सूचना आप लोगों ने यहाँ से दी थी कि यहाँ पर दिखा है? आप लोग सूचना दे ही रहे थे? रेती में दिखा रहा था, रेती में दिखा रहा था। क्या कहेंगे, कैसे आज का भेड़िया जो पकड़ा गया, कितनी खुशी की बात है, कितना खुश है आप? जी बहुत खुश है, हमारी गाँव की राहत बढ़ गयी। हमारे साथ कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है सर, आप जरा इस तरफ आइए थोड़ा सा। आप ये बताइए कि आज जब ये इसको ट्रैक कर लेगा, हम लोग कल भी बैठ करके बात कर रहे थे लगातार, आप लोग ये कह रहे थे कि ये इसी इलाके में है, पकड़ा जाएगा, और आखिरकार प्रशासनिक मशीनरी की टीम की जो सोच थी वो कामयाब हुई, ग्रामीण लगातार सूचना दे रहे थे, आज के बारे में विस्तार से बताइए कैसे पकड़ा गया ये भेड़िया? आज देखिए, कल शाम को नथवापुर में ये हुआ था कि एक उसको बकरी को उठाया है, तब उसके पगमार्क और ड्रोन की सहायता से हम लोग यहाँ पहुँचे और सुबह ऑपरेशन करके भेड़िया को पकड़ के। ग्रामीणों की तरफ से सूचना पहले आई? हाँ, ग्रामीणों की तरफ से सूचना दी गई और उसके बाद ये इसको पकड़ा गया है। हमारे साथ डीएफओ साहब भी मौजूद है, डीएफओ साहब ने बहुत मेहनत की है। आप डीएफओ साहब दो मिनट की इधर आ जाइए, इस तरह आजिए, मैडम से बात हो चुकी है, आप एक दो मिनट के लिए आ जाइए, आप आइए, तो दो मिनट के लिए आप आ जाइए। आप बहुत विस्तार में पसीना देखिए, डीएफओ साहब का पसीना देखिए कि कितनी मेहनत इन्होंने की है और लगातार इस ग्राउंड जीरो पर डटे रहे। डीएफओ साहब क्या कहेंगे, आज कैसे इसको ट्रैप किया गया, क्या प्लानिंग आप लोगों ने बनाई थी? कल से ही हम सर्च कर रहे थे, कल पगमार्क हमें का मिल गया, पगमार्क के पीछे पीछे गए, फिर पगमार्क मिलना खत्म हो गया, हम समझ गए कि इसी लोकेशन पे है। फिर रात हो चुकी थी, फिर शाम हो चुकी थी, ऑपरेशन पकड़ने वाला नहीं चला सकते थे, वेट किया, यही हम हमारी टीम सारे सामान सब कुछ यहीं पर रोक लिया गया, कैंप कर लिए रात भर। सुबह होते ही जब विजिबिलिटी बढ़ी तुरंत हम लोग काम पर लग गए, और सौभाग्य रहा कि वहाँ जहाँ पर हम पगमार्क देखे थे वो वहीं पर बैठा रहा, वहीं आस पास। पगमार्क आपको गन्ने के खेत के आसपास मिले थे? गन्ने के खेत के आसपास नहीं मिले थे, ये जो टापू है, टापू के जो दाहिने ढांक साल वहाँ तक मिला था, फिर इसके बाद इसमें हम लोगों ने पकड़ने के लिए पगमार्क का ही यूज किए, थर्मल ड्रोन का प्रयोग नहीं किया। काम आया वही देसी तरीका, आप लोग हमेशा ड्रोन उड़ा रहे थे, तमाम कैमरे लगाए हुए थे, लेकिन देसी तरीका जो पग चिन्हों वाला है, पैरों के निशान वाला है, वही तरीका काम आया? हाँ, एक्चुअली हुआ था कि वो ड्रोन पहचान गया था। उमेश, जरा डीएफओ साहब से पूछिए कि क्या छठे भेड़िए का अब तक कोई लोकेशन पता चल पाया है क्या? तो हम लोग जान ले कहा भाग रहा है, लेकिन वहाँ उसके लोकेशन पर ड्रोन नहीं चलवाए ताकि वो जान न पाए ड्रोन चल रहा है, और पकड़ने के लिए हम लोगों ने पगमार्क और डायरेक्ट विजिट का सहारा लिया। ग्रामीणों ने कितनी मदद की इस पूरे ऑपरेशन में आप लोगों की? ग्रामीण जब भी कोई सामान जैसे जाल ले जाना है, बल्ली ले जाना हुआ, और तमाम पिजड़ा वजड़ा ले जाना हुआ, बहुत बहुत ही वो हमारा सहयोग करते हैं। आज की तारीख में जब ये भेड़िया पकड़ा गया है, तब ये जाल वाल बिछाने में, भेड़िया को ट्रैक करने में कितने सहयोग किया? सब बहुत यहाँ जो है लोग दिख भी रहे हैं हमारे लोग। अच्छा, जो लगातार डटे हुए थे 24 घंटे से यही पर, आप लोग कितने घंटे से यहाँ पर डटे हुए थे? कल देर रात यही पर थे आप? कल कहीं आप लोगों ने कैंप यही कर लिया था? हाँ, कैंप यही कर लिया था, हम लोग कहीं नहीं गए, हम लोग कैंप यही कर लिए थे। थोड़ा सा यहाँ पर गश्त, जो रात में कोई घटना ना हो तो गश्त भी आस पास ही किए हम लोग, यहाँ से गए नहीं, और जैसे सुबह हुआ हम लोग अपना काम कर। सर, आपको क्या लगता है कितने भेड़िया भी आस पास के इलाके में और होंगे? क्या एक ही भेड़िया रह गया है या संख्या और ज्यादा हो सकती है? हमको एक और पकड़ना है, छठवां पकड़ना है, पकड़ने के बाद फिर हम आपको फिर चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं डीएफओ साहब, जो लगातार देखिए हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बहुत खुश हैं कि भेड़िया आखिरकार पकड़ लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, भेड़िया पकड़ा और जाना है उमेश, और उसके बाद हम चैन की सांस लेंगे। तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर ये भेड़िया पकड़ा गया, किस तरह से ग्रामीणों की सहायता से पकड़ा गया, फिर इसे ले जाया गया, पिंजरे में कैद किया गया है। ये वही भेड़िया है जो अब तक कईयों को अपना निवाला बना चुका था, लोगों के लिए जान संकट में डाल चुका था, लोग इससे परेशान हो चुके थे। अब लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान है, अब बस एक भेड़िया और पकड़ा जाना है, और उसके लिए भी इस वक्त प्रशासन और गांव वाले दोनों इस वक्त मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम मौजूद है, वहां से पल पल जानकारी इस खबर को लेकर अपने दर्शकों तक लेकर आते रहेंगे।